देखिए, एक ओर जहां सीएम से, सीएम हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी सीएम आवास में पूछताछ कर रहे हैं, वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर हुई छापेमारी से संबंधित, जहां सीएम गैर मौजूद थे और उनकी गैर मौजूदगी में ईडी के अधिकारी लगभग 12 से 13 घंटे, सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक उनके आवास पर डटे रहे, छापेमारी की उन्होंने, और छापेमारी में 36 लाख रुपए कैश और एक BMW कार भी बरामद की और उन्हें जब्त कर लिया। ऐसे में इस पूरे मामले पर, इस पूरे छापेमारी पर सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से STSC थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने आवेदन दिया और इस आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन साफ तौर पर ये कहते हैं कि वह 27 तारीख को रांची से अपने किसी निजी काम से दिल्ली गए थे। वहां वह 2 दिनों तक अपने आवास पर रुके, जो सरकारी बंगला उन्हें मुहैया कराया गया था, और जब उनकी गैर मौजूदगी में, वह जब मौजूद नहीं थे, तब ईडी के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो है वहां पर छानबीन की गई, उनकी अनुमति नहीं ली गई, और साथ ही साथ कुछ कैश और BMW कार जो कि उनसे संबंधित नहीं है, वह भी बरामद करने की खबर उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली। ये प्राथमिकी में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो बातें कही गई है। चूंकि 29 तारीख को सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी के अधिकारी सुबह 7 बजे ही पहुंचे और वहां पर सीएम हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में ये छापेमारी चली और इसी को आधार बनाकर STSC थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो जहां एक ओर यहां पर सीएम हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये प्राथमिकी जो है वो ईडी के अधिकारियों पर, 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर दर्ज कराई गई है। और इसमें यह भी आरोप लगा है कि उनकी गैर मौजूदगी में न केवल उनके पर्सनल स्पेस का यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया, बल्कि यहाँ पर उनके जो स्टाफ्स मौजूद थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उनकी अनुमति भी मांगने की आवश्यकता एक बार भी उन लोगों, यानी कि ईडी अधिकारियों को नहीं पड़ी। तो यह आवेदन STSC थाने में दर्ज हो चुका है और इससे पहले भी जब 20 तारीख को पूछताछ हुई थी, उस दौरान CISF के जवानों को यहां पर उतारा गया था और CISF के जवानों पर जो है भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, और इस दूसरी पूछताछ में यहां पर ईडी के अधिकारियों पर ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इस पूछताछ के बाद जो STSC थाने में जो ये मामला दर्ज कराया गया है, इसमें आगे क्या कुछ बातें खुलकर सामने आती है और इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इसका साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।